आई मौसम ने ली अंगड़ाई। भाई खाटू शाम जाते जाते शाम हो ही गई है, लगा लो 7 का टाइम तो हो ही गया होगा, 7 साढ़े 7 में भी। और अभी मेरे को लग रहा है कि 80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ होगा। हम निकले थे 1:30 बजे शायद, हाँ 1:30 या 2 बजे के अराउंड ही निकले थे। तो कहाँ किस टाइम पे पहुंचेंगे बताते हैं आपको, देखते रहो। रास्ते में डीजे भी बज रहा है साथ। ले भाई क्या कर रहे हैं? भाई नजारे देखो, नजारे खाटू श्याम जाते हो अभी, इतने अच्छे नजारे हैं भाई। पता नहीं मोटो ब्लॉगिंग के में बने हुए हैं ब्लॉग खाटू श्याम जाते हुए या नहीं, मगर यहाँ भाई मेरा तो दिल खुश हो गया। खाटू श्याम जाते टाइम नजारे देखो, पहाड़ों के भी मौसम भी मस्त हो रखा है, हाईवे भी मस्त मिल रखा है, टोटली मजे आ रखे हैं। ये नज़ारे मनाली जाते टाइम भी दिखते हैं, मंसूरी जाते टाइम भी दिखते हैं, और ये नज़ारे मेरे को राजस्थान में मिल गए भाई। तो बने रहो हमारे साथ। अगर ये पहला मोटो व्लॉग है खाटू श्याम जाते टाइम, तो एंजॉय बहुत करोगे, एंजॉय तो वैसे भी कर रहे होगे भाई। ये देखो किसने सुंदर सुंदर नज़ारे दिखा रहा हूँ मैं आपको, तो बना रहे हो। एक्सेप्टेशन नहीं थी कि इतने अच्छे नज़ारे मिल जाएंगे भाई, ला दो आप नज़ारे हैं। मोटो व्लॉगिंग के चक्कर में यहाँ लगा लो कैसे भी है, बाबा ने बुलाया, मतलब मजे आ रखे हैं। ऐसा जो एरिया है ये मैंने देखा है, जब मैं गया था माता वैष्णो, तो वहाँ नीचे जो कटरा का एरिया है ना, वहाँ ऐसा एरिया दिखा था मेरे को। तो नज़ारे तो मस्त आ रखे हैं, और साथ बारिश भी शुरू हो रही है, और सोने में सुहागा ये हो रखा है भोले के भक्तों ने जो कर रखा है सामने में, कावड़ आते हैं तो ये देखो बीच। यहाँ तो बाबा के भक्तों ने ना डीजे वगैरह लगा रखा, तो वैसे ही मौसम जरूर बना रखे हैं भाई, और दबा के मस्त। और बारिश आ गई है, मेरे को लग रहा है गोप्रो अंदर रखना पड़ेगा। अब सीधे मिलेंगे आपको खाटू श्याम। टी ब्रेक के लिए रुक चुके हैं, और यहाँ देखो मेरी सासू की और वो हमारा लड्डू। अरे ये पहलवान के प्रोडक्ट है, ये पहलवान के प्रोडक्ट है, या पहलवान की सासू की? क्यों पहलवान बैठा भाई? हाँ मेरी सासू की फिर आओगी बता, आओगी फिर यानी मान दी है।